तो पेशेंट ठीक होता है, कन्वालेसेंट फेज कहते हैं, जब कोई ठीक हो जाता है तो कन्वालेसेंट प्लाज्मा हम लोग देते हैं। माइल्ड मॉडरेट सीवियर डिजीज है, आप लोगों ने सब कुछ देख लिया है। अगर पेशेंट में ब्रेथलेसनेस नहीं है, सेचुरेशन ठीक है, वी विल कैटेगराइज इट इनटू माइल्डर डिजीज। कल हम लोगों ने ट्रीटमेंट देखा था, आइवरमेक्टिन, एजिथ्रोमाइसिन, डॉक्सीसाइक्लिन, मल्टीविटामिन, पैरासीटामोल, विटामिन सी। अगर मॉडरेट डिजीज है तो मॉडरेट डिजीज में हम लोग फेबीफ्लू, कहीं लिखा नहीं है कि देना है, ठीक है, लेकिन ठीक है अगर पेशेंट के पास है और आपको लग रहा है कि वायरल लोड वगैरह ज्यादा है, एज ज्यादा है, कोई कॉन्ट्रा इंडिकेशन नहीं है, दे दीजिए फेबीफ्लू। मेन चीज यहाँ पे स्टीरॉइड देना है आपको, और अगर डी डायमर डिरेंज हो तो एनोक्सापारिन देना है। ऑक्सीजन की जरूरत है तो ऑक्सीजन भी देना है। सीवियर डिजीज है तो पेशेंट को आईसीयू में एडमिट करोगे, मिथाइल प्रेडनिसोलोन मेड्रोल को ज्यादा दोगे, रेमडेसिविर स्टार्ट कर दोगे पेशेंट में, एंटी कोगुलेशन के लिए एनोक्सापारिन, और इसके अलावा कभी कभी टॉसिलीजुमैब दोगे। और इससे भी अगर नहीं ठीक हो रहा है और अगर अवेलेबल है तो प्लाज्मा थेरेपी दोगे। हम लोगों ने सीवियरिटी की बात की थी, हम लोग कब मॉडरेट है कब सीवियर है डिजीज, इसकी भी बात किए थे। होम आइसोलेशन, एडमिट इन वार्ड, एडमिट इन आईसीयू, मोटे मोटे तौर पे हम लोगों ने ट्रीटमेंट को भी देख लिया था, राइट। फिर हम लोगों ने कहा था आप सीवियरिटी कुछ लोगों में एक्सपेक्ट कर सकते हो डिपेंडिंग ऑन वायरल लोड, एक्सपेक्ट कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि उनमें हो, ठीक है। कितने सारे लोगों में बहुत ज्यादा वायरल लोड है लेकिन एसिम्टोमेटिक है, जितना ज्यादा लोड है उतना ज्यादा वो लोग डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं कैरियर के फॉर्म में। फिर हम लोगों ने कह दिया था एक प्रेस्क्रिप्शन, इसी प्रेस्क्रिप्शन को लेके आज फिर से हम लोग अपनी स्टडी करेंगे। शुरू की 5 ड्रग्स हम लोगों ने कह दिया था 5 डेज के लिए देना है माइल्ड डिजीज में। फिर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं पेशेंट को हम लोगों ने फेबी फ्लू दे दिया, ठीक है, मॉडरेट डिजीज में। अलॉन्ग विद हम लोगों ने पेशेंट को क्या दे दिया, पेशेंट को हम लोगों ने स्टीरॉइड दे दिया, मिथाइल प्रेडनिसोलोन दे दिया, मेड्रोल दे दिया, ठीक है, 32 मिलीग्राम ओडी, और फिर उसके बाद टेपर करके हम लोग इसको बंद कर देते हैं। इसके अलावा पेशेंट को नेबुलाइजेशन प्रोवाइड कर सकते हैं, भाप दिला सकते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लोगों ने कहा था माइल्ड डिजीज है, हम लोग जाएंगे पेशेंट को आइवरमेक्टिन प्रोवाइड करेंगे, डॉक्सी, एजिथ्रो, कॉफ सिरप, मेनली एलेक्स, पैरासीटामोल, विटामिन सी, मल्टीविटामिन्स। अगर वॉमिटिंग आ रही है जाहिर सी बात है आप लोग पेशेंट को एमसेट वगैरह दे सकते हो, तो जो कोई भी सिम्टोमेटिक रिलीज के लिए ड्रग की जरूरत होगी यू कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट इट। आइवरमेक्टिन 12 मिलीग्राम की बात करते हैं ओडी फॉर 3 डेज, डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम बीडी फॉर 5 डेज, एजिथ्रोमाइसिन फॉर 5 डेज, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन अगेन फॉर 4 to 5 डेज, कॉफ सिरप, लिवोसिट्रिजीन, मॉन्टेयर एलसी, पैरासीटामोल। मॉडरेट डिजीज होगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ऐड कर देंगे मिथाइल प्रेडनिसोलोन, एंटीवायरल, और अगर डी डाइमर डिरेंज्ड है तो हम लोग एनोक्सापारिन ऐड कर देते हैं, दैट इज लो मॉलिकुलर वेट हिपेरिन। प्रेडनिसोलोन मेड्रोल टेबलेट 4 मिलीग्राम से लेके 32 मिलीग्राम तक आते हैं, इनिशियली हमको 32 मिलीग्राम से स्टार्ट करना है। बाकी हम लोग फेविपिरावीर दे सकते हैं, फेबीफ्लू, फेबीफ्लू इस तरीके से बड़े बड़े पत्ते आते हैं 200 मिलीग्राम के, डे 1 पे 1800 मिलीग्राम लेना है, मतलब 9 टेबलेट्स अगर 200 मिलीग्राम टेबलेट के हों। एनोक्सापारिन हो गया 60 मिलीग्राम सब क्यूटेनियस ओडी, एक स्टैंडर्ड डोज है। आज हम लोग बच्चों का भी ट्रीटमेंट की बात करेंगे, बच्चों में डिजीज कम सीवियर होती है, सीवियरिटी ज्यादा है तो रेमडेसिविर देंगे, टॉसिलीजुमैब देंगे, और हो सकता है हमें पेशेंट को प्लाज्मा थेरेपी देना पड़े। आइए हम लोग बात कर लेते हैं ड्रग ट्रीटमेंट इन माइल्ड डिजीज। माइल्ड डिजीज है किसी को, लास्ट टाइम रिपीट कर रहे हैं, माइल्ड डिजीज है मतलब कोविड-19 की ही बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग बात क्या करेंगे माइल्ड डिजीज में, माइल्ड डिजीज में हम लोग बात करेंगे किस चीज की, हम लोग माइल्ड कहेंगे कब, जब पेशेंट में नो ब्रेथलेसनेस, बस नो ब्रेथलेसनेस का मतलब रेस्पिरेटरी रेट लेस देन 24 पर मिनट, और हम लोग बात करेंगे SpO2 वेल अबव 93%, राइट। यहाँ पे माइल्ड डिजीज है, देखो अगर किसी को सिम्टम ना हो तो लेने की दवा नहीं है, जरूरत नहीं है, अगर माइल्ड डिजीज है तभी लो, कोई दवा यहाँ पे डेफिनेट नहीं है, आज दे रहे हैं कल शायद ना दे हम लोग, ठीक है। तो आइए यहाँ पे प्रेस्क्रिप्शन ही देख लेते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे हम लोग ट्रीट करेंगे
ट्रीटमेंट बाय ओरल ड्रग्स, और कोई भी यहाँ पे एंटीवायरल नहीं दिया है, उन ड्रग्स को दिया है जिनमें थोड़ी बहुत एंटीवायरल प्रॉपर्टी होती है बाय मल्टीपल मैकेनिज्म्स। फिर से हम लोग उसी चार्ट को ले लेते हैं जो किसी डॉक्टर साहब ने किसी पेशेंट को एडवाइस किया था, ठीक है, इन्हीं के ट्रीटमेंट की चीटिंग करते हुए हम लोग आगे चलते हैं। राइट, तो यहाँ पे इन्होंने दे दिया डॉक्सीसाइक्लिन 100 मिलीग्राम बीडी फॉर 7 डेज, हम लोग इसको 3 to 5 डेज दे रहे हैं, एजिथ्रोमाइसिन, आइवरमेक्टिन, लिम्सी, जिंकोविट, इतना तो आपको देना ही है। राइट, अगर पेशेंट को फीवर वगैरह आ रहा है तो आप लोग पेशेंट को डोलो दे दोगे, ठीक है, खांसी वगैरह आ रही तो आप लोग पेशेंट को कोई कॉफ सिरप दे दोगे या लीवोसिट्रिजिन दे दोगे। कभी कभी प्रोडक्टिव कॉफ आती है अक्सर लेट स्टेज ऑफ डिजीज में, तो ऐसे केसेस में एक्सपेक्टोरेंट भी दे देते हैं जैसे एम्ब्रोडिल एस। राइट, अभी यहाँ पे प्रेडनिसोलोन देने की कोई जरूरत नहीं है, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, अभी यहाँ पे फैबीफ्लू देने की कोई जरूरत नहीं है। तो अगर कोई पेशेंट माइल्ड डिजीज से सफर कर रहा है तो हम लोगों को ये सारी ड्रग्स देनी है। तो यहाँ पे अगर मैं प्रेस्क्रिप्शन लिखूं पेशेंट का, प्रेस्क्रिप्शन लिखते हैं तो टेबलेट डॉक्सी 100 मिलीग्राम बीडी फॉर 5 डेज, डॉक्सी वगैरह हम लोग देख चुके हैं। फिर हम लोग कह देते हैं टेबलेट आइवरमेक्टिन 100 मिलीग्राम ओडी फॉर 3 डेज, टेबलेट एजिथ्रोमाइसिन, टेबलेट एजिथ्रोमाइसिन 500 मिलीग्राम ओडी इंटू 5 डेज, ठीक है, तीन तो ये हो गए। कभी मत भूलो टेबलेट मल्टीविटामिन दे दो, A to Z, 1 टेबलेट ओडी, टेबलेट लिम्सी मतलब विटामिन सी 500 मिलीग्राम, 1 टेबलेट ओडी, और यहाँ पे एक दे दीजिए पैरासीटामोल टेबलेट PCM कॉलपोल नाम से 6 मिलीग्राम, 1 टेबलेट SOS, और यहाँ पे दे दीजिए आप लोग कॉफ सिरप अगर खांसी है, सिरप LX 5 ml TDS। तो ये आपका पूरा ट्रीटमेंट है। कभी कभी हम लोग हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन भी दे देते हैं, खासकर उसका रोल लोग कहते हैं कि अगर कोई हॉस्पिटल साइड जा रहा है तो प्रोफिलेक्सिस में ज्यादा काम आती है ना कि ट्रीटमेंट में। चलिए ठीक है, तो हम लोग मान सकते हैं कि यहाँ पे क्लोरोक्विन भी दे सकते हैं। तो क्या क्या ड्रग्स हैं, हम लोगों ने कल सबकी तस्वीर के साथ पढ़ाई कर ली थी, तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। अगर किसी को माइल्डर फॉर्म ऑफ डिजीज है, आइवरमेक्टिन दे दिया, डॉक्सी वेल मतलब डॉक्सी साइक्लिन दे दिया आपने, एजिथ्रोमाइसिन दे दिया मतलब मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स, हाइड्रोक्सी क्लोरोपिन दे दिया, LX सीरप मतलब ड्राई कफ के लिए डेक्स्ट्रोमेथॉर्फन दे दिया, पैरासीटामोल दे दिया, ठीक है, तो इतने से आपका पेशेंट ठीक हो जाएगा। अगर मॉडरेट डिजीज है तब आप स्टीरोइड ऐड करोगे और तब आप फैबी फ्लू ऐड करोगे, दैट इज फैबी पिराविर, राइट, और एनोक्सापारिन। सब कुछ तो हम लोग देख चुके हैं। आइए यहाँ पे डोज के साथ जो आपके रीसेंट गाइडलाइंस कहते हैं उनकी बात करते हैं। यहीं पे अच्छा एक चीज और ऐड कर लेते हैं, ट्रीटमेंट इन चिल्ड्रेन। बच्चों में तो हमेशा माइल्ड डिजीज ही होती है, और बच्चों में जो ड्रग्स देते हैं डोज वेट के हिसाब से देते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ माइल्ड डिजीज, जाहिर सी बात है कोविड की बात कर रहे हैं, इन चिल्ड्रेन, बच्चों में अगर माइल्ड डिजीज है तो हम लोग क्या ट्रीटमेंट देंगे, आइए देखते हैं। बच्चों में तो कुछ ड्रग दे भी नहीं सकते हम लोग, है ना, इस चार्ट को देखिए, ये हमारे कॉलेज के गाइडलाइन के हिसाब से है लखनऊ, इसमें मैंने भी अपना दिमाग खपाया है बनाने के लिए, ठीक है, लेकिन किसी चीज का अनड्यू क्रेडिट मैं नहीं लेना चाहता। चलिए, चिल्ड्रेन विद एसिम्प्टोमेटिक और माइल्ड डिजीज, बच्चों में ज्यादातर एसिम्प्टोमेटिक या माइल्ड डिजीज ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए, जब भी किसी बच्चे को पैरासीटामोल देते हैं, चलिए मान लीजिए मैंने सीरप डोलो दे दिया, ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कि कितना वेट है। तो हम लोग कहते हैं पर डोज 15 मिलीग्राम पर kg, ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। इसके अलावा हम लोग आइवरमेक्टिन देंगे, कब आइवरमेक्टिन देंगे, जब बच्चा 2 साल से ऊपर हो। डॉक्सीसाइक्लिन तभी देंगे जब बच्चा आपका कितने से ज्यादा हो, 12 ईयर से ज्यादा हो, बस। मल्टीविटामिन, विटामिन सी, कभी कभी हम लोग PPIs दे देते हैं, वॉमिटिंग है तो ऑनडेंसीट्रॉन, और अगर मान लीजिए कॉफ है तो हम लोग सीरप लीवोसिट्रिजीन दे देते हैं 2.5 ml BD।
ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। बच्चों के केस में ऊपर वाले ने इतनी रहम कर दिया कि उनमें डिजीज सीवियरिटी कम होती है। डिजीज सीवियरिटी कम क्यों होती है? जो हाइपोथेसिस कहती है कि बच्चों में एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम 2 कम होता है, जो कि एज अ रिसेप्टर बिहेव करता है, किसका? कोरोना वायरस 2 का, ठीक है, सार्स कोरोना वायरस 2 का। हाइपरटेंसिव में ये आपके एंजाइम्स ज्यादा होते हैं, इसलिए डिजीज सीवियरिटी ज्यादा होती है। और ये आपके एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं टाइप 2 ल्यूमोसाइट्स पे, इसीलिए प्राइमरी टारगेट आपका लंग होता है। तो बात हम लोग कह रहे हैं, अगर किसी बच्चे में ट्रीटमेंट दे रहे हो, आइवरमेक्टिन कितना दोगे? अगर 10 से 20 किलो का है 3 मिलीग्राम डेली, 20 से 30 है 6 मिलीग्राम। कोई बच्चा अगर 40 kg से ज्यादा हो गया, ठीक है, गबरू टाइप का हो गया, तो आप लोग कहते हो कि भाई ये एडल्ट जैसी वेट का है, तो उसमें एडल्ट डोज दोगे। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए आपके पास कोई 15 किलो का बच्चा आ गया, 15 kg का, ठीक है, इनको भाई साहब को पैरासीटामोल दीजिए। पैरासीटामोल जो आपके पास सीरप आती है, सीरप पैरासीटामोल 250 नाम से आती है, मतलब 250 मिलीग्राम पर 5 ml होगा, तो हम लोग इसको कितना दे देंगे? 5 ml SOS, जब भी उसको बुखार चढ़े दे दो। दूसरी ड्रग पे आते हैं आइवरमेक्टिन पे, आइवरमेक्टिन हम लोग कितना दे देंगे? 15 किलो का है आपका बच्चा, 10 से 20 में 3 मिलीग्राम, तो 3 मिलीग्राम 12 मिलीग्राम की टेबलेट आती है, OD फॉर 3 डेज। और अगर ये 12 साल से ज्यादा है तभी आप डॉक्सीसाइक्लिन दोगे, नहीं तो मान लो अगर ये 5 ईयर के हैं तो यही इतनी दवा दे दो, बाकी पेशेंट को मल्टी विटामिन दे दो, बाकी पेशेंट को विटामिन सी दे दो। तो बच्चों में बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं है क्योंकि बच्चों में सीवियरिटी बहुत कम है, ठीक है। लेकिन अगर मान लो को मॉर्बिड बच्चा है, सीवियर सिम्टम्स है, तो सारी ड्रग्स को दे सकते हो, ठीक है, बस उनमें वेट के हिसाब से हम लोग डोजिंग करते हैं, दैट इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, अगर बच्चे का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो वेट के हिसाब से करेंगे और एज के हिसाब से करेंगे। आइवरमेक्टिन की बात करें तभी देंगे जब 2 साल से ज्यादा है, डॉक्सीसाइक्लिन तभी देंगे जब पेशेंट 12 ईयर से ज्यादा है। तो आई थिंक हम लोग बच्चे के चक्कर में ना पड़े, जो एक्सट्रीम एज ग्रुप वाले हैं, बड़े लोग हैं, उनको बचाना हमारी प्रायोरिटी है, बच्चों को चिल करने दो। आइए अब यहाँ पे कुछ हम लोग ड्रग्स का डोज लेते हुए चलते हैं, मेरे ख्याल से काफी सिंपल सा लेक्चर है, तो यहाँ पे आइए देख लेते हैं किस हिसाब से हम लोग पेशेंट को ड्रग देंगे। सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं, इस स्लाइड को लिया जाए, इस स्लाइड को ले लो, राइट। तो हम लोग हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन भी देते हैं, अब हम लोग नहीं दे रहे हैं आजकल। तो हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की अगर मैं बात करूं, HCQ, पहले तो बहुत दिया गया, इंडिया ने अमेरिका तक को एक्सपोर्ट कर दिया, आप सब कह रहे हैं कोई खास फायदा नहीं है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन पहले दिन 400 मिलीग्राम दे देते हैं, उसके बाद हम लोग अगले 4 दिन तक 400 मिलीग्राम, BD पहले दिन 800 मिलीग्राम दे देते हैं, और बाद में हम लोग इसको कितना देते हैं? 400 मिलीग्राम OD। तो HCQ की बात नहीं किए थे, अगर हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन देना है HCQ, तो हम लोग कह देते हैं Day 1 पे 400 मिलीग्राम BD, और उसके बाद Day 2 से Day 4 देन 400 मिलीग्राम OD फॉर नेक्स्ट 4 डेज, ठीक है। हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन की कार्डियो टॉक्सिसिटी है, ठीक है, हार्ट के लिए कभी कभी टॉक्सिक है, खासकर QT इंटरवल बढ़ा देता है, पेशेंट में एरिदमिया होने के चांसेस ज्यादा है। चलिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को छोड़ दो, अब हम लोग कह दे रहे हैं फेवी पिरावीर का यूज कर रहे हैं, मतलब हम लोग किसका यूज कर रहे हैं, अब मॉडरेट डिजीज की तरफ चले आए हैं, हम लोग फेबी फ्लू की बात कर रहे हैं। फेबी फ्लू को स्टार्टिंग में हम लोग कितना देंगे? 16 to 1800 मिलीग्राम देंगे, मतलब 8 to 900 टेबलेट, 900 मिलीग्राम, सॉरी 8 to 9 टेबलेट्स देंगे, फिर उसके बाद 600 मिलीग्राम BD देंगे। तो जब हम लोग फेबी फ्लू की बात करते हैं, फेबी फ्लू, तो हम लोग कहते हैं 1600 मिलीग्राम BD एट Day 1, 1600 मिलीग्राम BD। हम लोग यहाँ पे एडवाइस करते हैं अपने यहाँ 1800 मिलीग्राम ऑन Day 1, ठीक है, 200 मिलीग्राम की टेबलेट मिलती है ज्यादातर, और इसको हम लोग कह देते हैं 9 टेबलेट्स एट Day 1, ठीक
ठीक है, अलग अलग गाइडलाइन, अलग अलग जगह प्रैक्टिस होती है, चलिए ठीक है, किसी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ते हैं। फिर उसके बाद हम लोग कहते हैं एक हफ्ते के लिए फॉलोड बाई 1200 मिलीग्राम डेली, फॉलोड बाई 1200 मिलीग्राम मतलब 6 टेबलेट्स आपकी डेली ओडी या बीडी में किसी तरीके से दे दीजिए, 1200 मिलीग्राम जाना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं यहाँ पे एंटीवायरल का रोल है, ठीक है, किसी गाइडलाइन में नहीं मिलेगा, हर जगह डिफरेंट चीजें हैं। तो हम लोग कहते हैं फेवीपिरावीर, बहुत महंगी ड्रग नहीं है लेकिन आजकल महंगी हो गई है, ठीक है, फ्लू वगैरह के उसमें देते थे, हम लोग इसको दे देते हैं 1800 मिलीग्राम ऑन डे वन, फॉलोड बाई 1200 मिलीग्राम अप टू 7 to 10 डेज। चलिए ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात कर लेते हैं एनोक्सापारिन की। यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं एनोक्सापारिन ये लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन होता है, राइट। यहाँ पे इन्होंने रखा है 40 मिलीग्राम सबक्यूटेनियस ओडी, हम लोग कहते हैं इसको दे दो 60 मिलीग्राम सबक्यूटेनियस ओडी एक एडल्ट में, राइट। तो बहुत ही सिंपल सा है, कहीं कहीं 30 मिलीग्राम सबक्यूटेनियस बीडी भी देते हैं, डजेंट मैटर, कब दोगे, जब डी डाइमर किसी का इंक्रीज हो, अभी पढ़ाएंगे ये सब चीजें। एक चार्ट और यहाँ पे ले लेते हैं, दिस इज ऑल्सो वेरी बेनिफिशियल, राइट। यहाँ पे हम लोग हिपेरिन भी दे सकते हैं लेकिन हम लोग अवॉइड कर रहे हैं। अब हम लोग आ जाते हैं सीवियर वाले में, क्या दे रहे हैं, रेमडेसिविर, ठीक है। तो इसको पहले दिन हम लोग 200 मिलीग्राम दे देते हैं, फॉलोड बाय 100 मिलीग्राम ओडी फॉर 4 डेज, मतलब कुल मिला के आपको 600 मिलीग्राम अरेंज करना पड़ता है, 100 मिलीग्राम का इंजेक्शन आता है, कल आप लोगों से बात हुई थी। लेकिन रेमडेसिविर अगर किसी को लीवर की प्रॉब्लम है, किसी को किडनी की प्रॉब्लम है तो ये प्रॉब्लम कर सकता है। तो अगर लीवर डिजीज नहीं है, किडनी डिजीज नहीं है, तब तो आप इसको अच्छे से यूज कर सकते हो। लेकिन अगर किसी में GFR 30 से कम है या SGOT 3 टाइम से ज्यादा इंक्रीज है OTPT, तो हम लोग अवॉइड करते हैं, राइट। इसके अलावा हमारे पास इंटरल्यूकिन 6 एंटागोनिस्ट है जो कि आपका टॉसिलीजुमैब है, इसको हम लोग 400 मिलीग्राम IV सिंगल डोज देते हैं। इसके अलावा डेक्सामिथासोन भी दे सकते हैं, और अगर IV देना है, ओरल देना है, तो हम लोगों को प्रेडनिसोलोन देना है 1 to 2 मिलीग्राम per kg अप टू 5 डेज, राइट। आइए अब हम लोग बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट ऑफ मॉडरेट डिजीज, ट्रीटमेंट ऑफ मॉडरेट डिजीज, सब कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं, बस एक तरीके से हम लोग रिपीट कर रहे हैं चीजों को। मॉडरेट डिजीज में जो हम लोग पहले दे रहे थे वो तो देंगे ही, यहाँ पे पेशेंट में ऐड कर देंगे एंटीवायरल, ठीक है, अभी रेमडेसिविर पे नहीं, प्लस मिथाइल प्रेडनिसोलोन, मिथाइल प्रेड प्लस लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन जो कि आपका एनोक्सापारिन है, राइट। तो यहाँ पे अगर एंटीवायरल की बात करें तो जो फ्लू में यूज होता था ये हम लोग कहेंगे फेबी फ्लू स्टार्ट कर देंगे, हम लोग कहेंगे 900 पहले दिन हम लोग 1800 मिलीग्राम ओडी, फिर उसके बाद हम लोग 1200 मिलीग्राम डेली लेंगे, अक्सर लोग इसको कर देते हैं 600 मिलीग्राम BD, राइट। तो यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं फेवीपिरावीर जो कि मार्केट में अवेलेबल होता है फेबी फ्लू नाम से, ठीक है, 1800 मिलीग्राम, कोई गाइडलाइन नहीं कहती है, ठीक है, और कहीं पे ये स्टैंडर्डाइज भी नहीं है, जो प्रैक्टिस किया जा रहा है उसकी बात करते हैं, जो हमारे पास प्रेस्क्रिप्शन है अभी हम उसमें भी देखेंगे उन्होंने कितना एडवाइस कर रखा है, ठीक है, और मैं इसको किसी को एडवाइस नहीं करता लेने के लिए। तो वी हैव फेवीपिरावीर 1800 मिलीग्राम ऑन डे वन, ओडी के बदले डे वन लिख सकते हैं, एंड देन हम लोग कह देते हैं यहाँ पे अप टू 7 to 10 डेज आप लोग 1200 मिलीग्राम डेली लेते रहिए, राइट। आइए इसके अलावा हम लोग कह देते हैं मिथाइल प्रेडनिसोलोन, सेकेंड यहाँ पे क्या देते हैं हम लोग पेशेंट को, टैबलेट, अगर इंजेक्शन दे रहे हैं तो डेक्सामिथासोन देना होगा, डेक्सोना, मिथाइल प्रेडनिसोलोन
टैबलेट मेड्रोल नाम से आता है। मेड्रोल हम लोग कहते हैं एट द रेट 1 to 2 मिलीग्राम पर केजी पर डे। मैक्सिमम हम लोग 60 मिलीग्राम तक जा सकते हैं, लेकिन इन जनरल हम लोग 32 मिलीग्राम टैबलेट देते हैं। टैबलेट मेड्रोल 32 मिलीग्राम ओडी, और उसके बाद हम लोग 5 दिन के बाद इसको टेपर करते हैं, ठीक है, फिर धीरे धीरे बंद कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने मिथाइल ब्रेड की भी बात की थी, 1 to 2 मिलीग्राम पर केजी फॉर अप्रोक्सीमेटली 5 डेज, ठीक है। बेहतर है कोई भी स्टेरॉइड दें तो उसको टेपर कर दिया जाए। अगर वाइसोलोन देते हैं, प्लेन प्रेडनिसोलोन देते हैं, तो 5 डेज तक टेपर नहीं करते, बट मिथाइल प्रेडनिसोलोन इज मोर प्रोटेंट, इट इज बेटर टू टेपर एंड स्टॉप। तो यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं पेशेंट को मिथाइल प्रेडनिसोलोन भी दे देंगे, ठीक है। इसके अलावा तीसरी ड्रग की अगर बात करें, हम लोग इंजेक्शन एनोक्सापारिन, एनोक्सापारिन का मतलब है लो मॉलिक्यूलर वेट हिपेरिन, ठीक है, हम लोग इसको दे देते हैं 60 मिलीग्राम सबक्यूटेनियस आईवी ओडी। अगर यहाँ पे पेशेंट का डी डाइमर इंक्रीज्ड है, इफ डी डाइमर इज रेज्ड, कितना डी डाइमर रेज हो, कितना सीवियरिटी एक्सपेक्ट कर सकते हो, हम लोगों ने बात किया है, इज रेज्ड, सबको मत दो इसको, ठीक है। अगर कोगुलेशन प्रोफाइल या कोई कोगुलोपैथी हो तभी दो। आइए उन डॉक्स आपका ट्रीटमेंट फिर से हम लोग यहाँ पे पेस्ट करते हैं, उन्हीं के ट्रीटमेंट से पढ़ते हैं, शायद ये ट्रीटमेंट पेशेंट को इतना काम ना आया हो जितना हम लोगों को काम आ रहा है, राइट। तो चलिए यहाँ पे इन्होंने माइल के लिए डॉक्सी, एजिथ्रो, आइवरमेक्टिन, लिम्सी, जिंकोविट, इन्होंने कितना दिया है टैबलेट फेबीफ्लू देखते हैं। लेट्स सी, टैबलेट फेबीफ्लू इन्होंने दिया है 400 मिलीग्राम की 4.5 टैबलेट्स, और फिर उसके बाद इन्होंने दिया है पहले दिन, फिर उसके बाद 800 मिलीग्राम बीडी फॉर 13 डेज। इनका थोड़ा सा भरोसा ज्यादा था, तो 400 मिलीग्राम की जो टैबलेट है इसको इन्होंने कितना दिया है 4.5 टैबलेट्स, कितना हो गया ये 1800 मिलीग्राम हो गया। बिल्कुल सही इलाज किया इन्होंने, ड्यूरेशन काफी लंबा दे रखा है इन्होंने, चलिए ठीक है। उसके बाद इन्होंने 800 मिलीग्राम बीडी फॉर 13 डेज दे दिया है, बाकी लोग जो प्रैक्टिस कर रहे हैं 1200 मिलीग्राम फॉर 7 to 10 डेज, ठीक है, इसको स्टैंडर्डाइज नहीं किया गया है। चलिए तो यहाँ पे इन्होंने जो ट्रीटमेंट दिया, इसके अलावा पेशेंट को नेबुलाइज भी कर रहे हैं। नेबुलाइज जो कर रहे हैं, इन्होंने लीवोलिन लिखा है, दैट इज सालब्यूटामोल, एस्थेलिन नाम से नेबुलाइजर आता है, और उसको भी पेशेंट को देंगे तो ब्रोंको डायलिटेशन होगा, कॉफ वगैरह होगा तो आराम से स्पिट आउट कर सकता है पेशेंट, और ब्रेथलेसनेस कम होगी क्योंकि फेफड़े थोड़े से आपके खुलेंगे, राइट। तो बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट पे हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो आइए हम लोग नेबुलाइजेशन की बात करें, तो नेबुलाइजेशन में हमारे पास एस्थेलिन है। फ्यूल का मतलब अगर कोई चीज प्लास्टिक के कंटेनर में लिक्विड फॉर्म में हो, एस्थेलिन का मतलब है सालब्यूटामोल, मतलब बीटा टू एगोनिस्ट, अस्थमा वगैरह में ज्यादा यूज करते थे। इस तरीके से ड्रग्स आते हैं आपके रेस्प्यूल के फॉर्म में, राइट, हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं रेस्प्यूल्स, प्लास्टिक के सीसी में इस तरीके से 2.5 ml के रेस्प्यूल्स आते हैं, जिसमें 2.5 मिलीग्राम आपका लीवो सालब्यूटामोल होता है, हम लोग कह देते हैं लीवोलिन, ठीक है। इसको नेबुलाइजेशन मशीन में, इसके साथ ब्यूटीकॉर्ट मतलब एक स्टीरॉयड भी यूज कर सकते हैं, कुछ इस तरीके से ब्यूडेट नाम से आता है, ये 0.5 मिलीग्राम होता है, तो दोनों को हम लोग इसको बीडी कर सकते हैं, और एस्थेलिन को हम लोग ज्यादातर टीडीएस या इससे भी ज्यादा दे सकते हैं, राइट। तो एक स्टीरॉयड दे दिया, एक आपका ब्रोंको डायलेटर दे दिया, इस तरीके से नेबुलाइजर में हम लोगों ने डाल दिया। तुम लोगों ने बहुत देखा होगा नेबुलाइजेशन, राइट, हम लोग पेशेंट को नेबुलाइज कराएंगे, मतलब भाप दिलाएंगे, और इस तरीके से जब तक भाप आ रही होगी तब तक लगा के पेशेंट का सैचुरेशन वगैरह या ब्रेथलेसनेस वगैरह मॉनिटर करते रहोगे। तो कुल मिला के ये ट्रीटमेंट आपका अभी तक हम लोग जो देखा है मॉडरेट डिजीज का देखा है, हम लोगों ने स्टीरॉइड ऐड कर दिया, नेबुलाइज कर दिया पेशेंट को, ठीक है, फेबीफ्लू ऐड कर दिया, राइट। इन्होंने स्टीरॉइड भी दिया होगा, इन्होंने देखो मिथाइल ब्रेड दिया है 32 मिलीग्राम ओडी फॉर 5 डेज, उसके बाद डिक्रीज किया है यहाँ पे 4th डे
मिलीग्राम बाई फोर्थ डे 4 मिलीग्राम कर दिया, ठीक है, तो 3 दिन 32 मिलीग्राम दे दिया, फिर 2 दिन 4 मिलीग्राम दे के बंद कर दिया, ठीक है, दैट इज ऑल्सो राइट, और इन्होंने नेबुलाइज भी किया है, राइट। तो इस तरीके से हम लोगों ने फैबी फ्लू दे दिया पेशेंट को, और हम लोगों ने पेशेंट को एनोक्सा पारिन दे दिया, पेशेंट को नेबुलाइज कर दिया, पेशेंट को स्टीरॉइड दे दिया। आइए बात कर लेते हैं ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर डिजीज, ट्रीटमेंट ऑफ सीवियर डिजीज कोविड 19। यहाँ पे हमें एक तो पेशेंट को हो सकता है केवल ऑक्सीजन से ना सपोर्ट हो सकता है हम लोगों को मैकेनिकल सपोर्ट देना पड़े, मैकेनिकल सपोर्ट इन फॉर्म ऑफ वेंटिलेटरी सपोर्ट, राइट। जो कुछ ट्रीटमेंट अभी दे रहे थे उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके अलावा हम लोग कहेंगे पेशेंट को आईवी इंजेक्शन रेमडेसिविर, ठीक है, जो कि पहले इबोला के लिए यूज होता था, प्लस यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है इंजेक्शन टोसिली जुमैब, ठीक है, ये आपका एंटीवायरल हो गया, और ये आपका हो गया इंटरल्यूकिन 6 एंटागोनिस्ट। इसके अलावा हम लोग पेशेंट में प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन भी कर सकते हैं, प्लाज्मा ट्रांसफ्यूजन, ठीक है, कॉन्वलेसेंट प्लाज्मा बोलते हैं, मतलब जो पेशेंट कोविड से ठीक हो चुका हो और उसके अंदर जरूरत भर का एक रिक्वायर्ड नंबर ऑफ टाइटर से ज्यादा एंटीबॉडीज हो, राइट। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इंजेक्शन रेमडेसिविर, रेमडेसिविर तो हम लोग इसको कहते हैं 200 मिलीग्राम इन्फ्यूजन से दे देते हैं आईवी ऑन डे 1। कैसा इंजेक्शन दिखता है ऊपर फिगर में है, वो सब नहीं देखना है, देख के भी असली नकली नहीं बता पाओगे, नकली बहुत मिल रहा है। फिर उसके बाद हम लोग कहते हैं 100 मिलीग्राम आईवी ओडी फॉर 4 डेज, तो टोटल आप लोगों ने 5 डेज दे दिया, और टोटल कितना दे दिया 600 मिलीग्राम रेमडेसिविर, मतलब कम से कम आपको ₹1,00,000 का इंतजाम करना पड़ेगा, ठीक है, 5 डेज देते हैं। इसके अलावा हम लोग कहते हैं मिथाइल प्रेडनिसोलोन तो देते ही रहेंगे या इंजेक्शन डेक्सा देते रहेंगे, दूसरा हम लोग कह रहे हैं इंजेक्शन क्या दे दिया टॉसिली जुमैब, इसको भी हमें इंट्रावीनस देना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं 400 मिलीग्राम आईवी स्टैट, एक ही इंजेक्शन देना है, एक ही इंजेक्शन मिल भी नहीं रहा है, और मिल भी रहा है तो लाखों में इसकी कीमत जा रही है, पता नहीं कुछ फायदा कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट हम लोग बात करेंगे प्लाज्मा थेरेपी की, प्लाज्मा थेरेपी ज्यादातर उतने ही लोगों में उतनी एंटीबॉडी होती है जो बहुत सीवियरली सिक हुए हों, ठीक है। प्लाज्मा थेरेपी में हम लोग कह रहे हैं हम लोग पेशेंट में प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज ट्रांसफ्यूज करेंगे, पेशेंट से प्लाज्मा लेंगे ट्रांसफ्यूज करेंगे, जिस ब्लड ग्रुप का पेशेंट होगा उसी ब्लड ग्रुप का डोनर होना चाहिए प्लाज्मा, अगर डायरेक्टली उसे लेके दिया जा रहा है, ठीक है। लेकिन अगर कहीं प्लाज्मा बैंक है तो आप जैसे ब्लड डोनेट करते हो कोई भी ग्रुप दे दो, ब्लड बैंक में ढेर सारा ग्रुप का ब्लड इकट्ठा रहता है, वहां से आप अपनी पसंद का ले लो। इसी तरीके से जहां प्लाज्मा बैंक से एक्सचेंज हो रहा है वहां पे आप आराम से कोई भी ब्लड ग्रुप का आदमी डोनेट करे, लेकिन अगर एक ही डोनर है वहां से प्लाज्मा निकालना है फिर उसको उसी हॉस्पिटल में पेशेंट को लगाना है, नहीं सुविधा है तो आपका वहां पे डोनर जो खोजना पड़ेगा सेम ब्लड ग्रुप का रहेगा। बहुत सारा कंफ्यूजन है, मैं भी कई दिन कंफ्यूज हो गया, डिफरेंट गाइडलाइंस आती हैं। यहाँ पे बात किया जाए प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज, हम लोग कहते हैं प्रिपेयर्ड फ्रॉम कॉन्वलेसेंट, मतलब जो ठीक हो गया है पेशेंट उसके सीरम से, उसके सीरम में जाहिर सी बात है एंटीबॉडी बनी होगी, आप इस एंटीबॉडी को अगर उसमें एक रिक्वायर्ड नंबर या टाइटर से ज्यादा एंटीबॉडी हो तो आप लोग किसी में ट्रांसफ्यूज कर सकते हो, कुछ इस तरीके से आपका प्लाज्मा होता है, राइट। प्लाज्मा थेरेपी इन कोविड 19। और आइए देखते हैं यहाँ पे येलो येलो कलर का होता है प्लाज्मा, जैसे पहले FFP ट्रांसफ्यूज करते थे, यहाँ पे भी आप लोग देख पा रहे हो प्लाज्मा थेरेपी, किसी इंसान से हमने ब्लड लिया उससे प्लाज्मा कलेक्ट किया हम लोगों ने और हम लोगों ने इसको किसी को ट्रांसफ्यूज कर दिया, ठीक है, क्योंकि जिस इंसान को डिजीज हो चुकी है वो इंसान एंटीबॉडी बना लिया होगा,
ठीक है, बहुत ज्यादा एफिकेशियस है तो मैं कहूंगा अनफॉर्चुनेटली नहीं है। और यहाँ पे इस तरीके से इसको स्लो इन्फ्यूजन में आप लोग पेशेंट को ट्रांसफ्यूज कर सकते हो। तो अगर कोई बहुत ज्यादा सीवियरली सिक है तो हम लोग कहते हैं ठीक है प्लाज्मा दे दो, एंटीबॉडीज इसी वायरस के अगेंस्ट बनी होंगी, अगर कोई इससे सफर कर चुका होगा ठीक है वर्क करेंगी, लेकिन कोई भी ब्लड एंड ब्लड प्रोडक्ट चढ़ाने से पहले प्रॉपर क्रॉस मैचिंग होनी चाहिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड साइड इफेक्ट्स आते हैं इसीलिए मॉनिटरिंग करनी होती है। तो हम लोगों ने प्लाज्मा थेरेपी की बात कर ली, हम लोगों ने रेमडेसिविर की बात कर ली, टॉसिलीजुमैब की बात कर ली, वेंटिलेटर की भी थोड़ी बात कर ली, नेबुलाइजेशन की बात कर ली, एस्थेलिन की बात कर ली, फैबी फ्लू की बात कर ली, इसके अलावा एनोक्सापारिन की बात कर ली, लिम्सी की बात कर ली, डॉक्सी आइवर।